अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो हमें सेटरिंग्स पढ़नी है आज की क्लास में। तो व्हाट आर सेटरिंग्स, पहले ये देखते हैं एंड देन लेट अस डू सम प्रोग्राम्स ऑन इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट सेटरिंग्स कैन डू। सो लेट अस स्टार्ट कोड ब्लॉक्स इन विच वी आर गोइंग टू राइट डाउन द प्रोग्राम्स। सेटरिंग हम कहते हैं कि इसको है सेटरिंग एक सिंपली होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है, जैसे हम इंटीजर एरे डिक्लेयर करते हैं तो उसमें हम इंटीजर स्टोर करते हैं। सिमिलरली व्हेन वी आर सपोज टू स्टोर द कैरेक्टर्स, यानी ए बी सी डी जब हमें स्टोर करना होगा एक एरे के अंदर कंटिन्यूअस, देन एट दैट टाइम वी कॉल दैट सेटरिंग, सेटरिंग ऑफ कैरेक्टर्स। समझ आया? एंड इट एंड्स विद द नल कैरेक्टर, यानी इस जो हम सेटरिंग डिक्लेयर करते हैं उसका एंड में एक नल कैरेक्टर होता है। यानी नल कैरेक्टर किसको बोलते हैं, यानी खाली एक कैरेक्टर होता है। So let us write down the name of the string and let us enter. First of all, हम देखेंगे ये चीज कि एक string को declare कैसे किया जाता है। हम सबसे पहले एक character लेंगे char, ठीक है? Yes. उसके बाद इसका नाम लिखेंगे, name ही रखेंगे नाम, और उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे 30, ठीक है? इसका size हमने 30 लिया। उसके बाद नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे एक message print करते हैं, जिस तरह हम as usual करते हैं। यूजर को कोई भी मैसेज देनी होगी तो प्रिंट एफ यूज करते हैं, तो हम बोलेंगे एंटर नेम, आप नाम लिख लीजिए। तो जैसे ही यूजर नाम लिखेगा तो उसके बाद हमें उसको सेव करना है। तो आज हम और एक तरीका सीखेंगे कि लाइन को रीड करना, जिसको हम बोलते हैं सेव करना, तो उसके लिए हम एफ गेट्स फंक्शन यूज करते हैं। एफ गेट्स जो है ना, ये फंक्शन यूज करते हैं हम किस लिए, एलिमेंट्स को रीड करने के लिए। किन एलिमेंट्स को, कैरेक्टर एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे इसके अंदर मैं लिखूंगा नेम, क्योंकि नेम के अंदर जो होगा वही मुझे रीड कराना है, यानी उसको सेव कराना है। किसके अंदर, यहाँ पे हम देते हैं जिस तरह हम क्लास में लग में देते थे ना साइज ऑफ, उसी तरह यहाँ पे हम देंगे साइज ऑफ शब्द। नेम का जो साइज होगा वही स्टोर कराना है इसको एज ए एस टी डी आई, सर ये एस टी डी एल आई बी और एस टी डी आई ओ, इनकी शॉर्ट फॉर्म है। ये इसी तरह एक कीवर्ड है जिसका आप बोल सकते हो ये एस टी डी आई एन ही इसको पढ़ते हैं, ठीक है? तो इससे क्या होगा वो हम अभी देखने वाले हैं। तो इसको क्लोज कर देते हैं एंड देन यहाँ पे प्रिंट एफ यूज करेंगे। जब भी आप एफ गेट्स यूज करोगे ना, बात आ रही है समझ, जब आप एफ गेट्स यूज करोगे ना उसके एंड में आपको यहाँ पे एस टी डी आई एन यूज करना ही करना है। अभी आप बोलोगे, जैसे कि आपके पास एक एग्जाम्पल है, आप बोलोगे सर हम यहाँ पे प्रिंट एफ क्यों लिखते हैं एवरी टाइम व्हेन वी आर सपोज टू प्रिंट द मैसेज, तो इसका जवाब क्या होगा कि भाई ये जो प्रिंट एफ है यही यूज होती है एस टी डी आई बी के जरिए से, सॉरी एस टी डी आई ओ के जरिए से प्रिंट एफ कराने के लिए। अब हमारे पास प्रोग्रामर्स ने जिसने कंपाइलर बनाया उसने बोला कि भाई प्रिंट एफ के जरिए से आप मैसेज प्रिंट कर सकते हो। तो हमें यही सिंटैक्स लिखना पड़ेगा, चाहे अभी गलत स्पेलिंग हो या सही स्पेलिंग हो, हमें यही लिखना है। सिमिलरली यहाँ पे जो लिखा हुआ है एस टी डी आई दैट इज अ कीवर्ड, तो ये हमें इसी तरह लिखना है, चाहे सही होगा या गलत होगा दैट डजंट मैटर, बट यहाँ पे हमें इसी अंदाज में लिखना होगा। बता रही समझ ना? उसके बाद हम यहाँ पे और एक प्रिंट एफ यूज करेंगे जिसमें हम बोलेंगे डायरेक्टली कि योर नेम इज, क्या बोलेंगे, योर नेम इज, और उसके बाद स्पेस डालेंगे न्यूअर नेम के बाद, और यहाँ पे डायरेक्टली हम क्लोज करने वाले हैं। अब हम परसेंटी यहाँ पे नेम वगैरह साथ में नहीं करेंगे, जिस तरह हम यहाँ पे करते हैं कॉमा करके नेम। तो आप वो कैसे देते हैं, वो पुट्स से देते हैं, जैसे पी यू टी एस, एक है पी यू पी यू टी सी, दूसरा है पुट्स, ये अलग अलग है, इनमें कन्फ्यूज मत होना। तो देन यहाँ पे पुट्स में हम क्या देते हैं, यहाँ पे हमें देना यानी प्रिंट क्या कराना है, नेम, यानी जो नेम के अंदर हो। उसके बाद इसको सेव करते हैं और उसके बाद करते हैं रिटर्न जीरो, सेव करते हैं और एफ एट प्रेस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम एंटर नेम, तो मैं लिखूंगा जैसे कि क्या लिखेंगे, सहेब, देखते हैं दोनों करते हैं, देखो हो गया ना, योर नेम इज सहेब अहमद, इसके बाद एक कोलन हटा दो क्योंकि हमें ये चाहिए नहीं, ठीक है? तो उसके बाद इसको क्लोज कर दो। अब एफ एट प्रेस करते हैं और यहाँ पे नेम लिखेंगे किसी भी, जैसे डी ई एन एन आई एस, जेम्स आर ई टी सी एच आई ई, जिसने सी प्रोग्राम को बनाया, पता नहीं स्पेलिंग मैंने सही लिखी यहाँ गलत लिखनी है यार, ठीक है? योर नेम इज दिस, बात आ रही है समझ? Yes. तो ये हमने किस तरह से, ना ही हमने एम्परसेंड यूज किया ना ही कोई और, बस हमने यहाँ पे एफ गेट्स यूज किया और इसके साथ एस टी डी आई एन किया, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे पुट्स में जो भी हमें प्रिंट करना है वो हम नीचे दे देते हैं, ये ईजी है। Yes. इसी के अंदर की जगह हमने एफ गेट्स लिखा और उसका सिंटैक्स क्या है, हम पहले नाम लिखते हैं देन साइज ऑफ द नेम, जितना उसका साइज होगा ना वही स्टोर होगा किसमें, एफ गेट्स में, और उसके बाद यहाँ पे हम एस टी डी आई एन एक कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है? Yes. उसके बाद फिर से हमने प्रिंट मैसेज की और उसके बाद बोला कि पुट्स, यानी गेट्स में मतलब गेट्स का मतलब होता है लेना,
रीड करना, यूजर ने जो नाम लिखा उसको रीड करना, गेट पुट का मतलब होता है प्रिंट कराना, यानी अब यहाँ से उसको वापस डालना किसी में, पुट बोलते हैं यानी किसी में डाल देना वापस, वही तो उसके बाद ये पुट के जरिए से हम नेम को यानी नेम को पुट कराना है किसमें, प्रिंट एप में, ठीक है। तो प्रिंट एप के बाद यहाँ पे यूर नेम इज पुट्स, तो पुट्स के अंदर है नेम, तो नेम के अंदर होगा जो भी आपने लिखा हुआ है ना, इजी। आप चलिए, तो ये था हमारा क्या एक सिंपल सा प्रोग्राम जिसमें हमने देखा कि हम कैरेक्टर एरे को कैसे प्रिंट करते हैं। अब यहाँ पे आपने साइज दिया है 30, अब यहाँ पे आप कर लो काम, आप दे दो जैसे कि हम देंगे 5 देंगे, कितने खाली 5। अब लेट अस सेव इट, एंड सेव करने के बाद लेट अस प्रेस F8। जैसे हम F8 प्रेस करेंगे तो आप देखो यहाँ पे बता रहा है एंटर द नेम। अब मेरा नाम तो है 5 जिसका मैंने अपना नाम लिखा, साइज मैंने कितना दिया हुआ है 5। लेट अस सी दैट वेदर इट वर्क्स ऑर नॉट। जैसे मैं एंटर करूंगा देखो आपने इसने 4 ही एलिमेंट को प्रिंट किया, Why? हालांकि मैंने साइज कितना दिया है 5, तो 5 को करना चाहिए ना, इसे 4 को क्यों दिया, माइनस 1 नहीं, माइनस 1 का मतलब क्या होता है भाई, वो तो 0 आ जाएगा, तो चलो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे भी वहां जाने चाहिए ना। यो ये भाई मैंने पहले ही बोला था कि लास्ट वाले एलिमेंट में स्टोर होता है नल कैरेक्टर, बोला था ना मैंने, तो ये वही है नल कैरेक्टर में, यानी यहाँ पे 0 है लास्ट वाले। हाँ, यहाँ पे टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं भाई, 5 थे ना, तो 5 वाले में एक में से स्टोर होगा नल कैरेक्टर यानी खाली, तो जब खाली एक होगा तो प्रिंट कितने होंगे, बाकी 4 ही होंगे ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि मैंने साइज 5 ही रखा और यहाँ पे 5 एलिमेंट दे दिए बराबर, लेकिन ऐसे 5 को प्रिंट नहीं कराया, 4 ही को प्रिंट कराया। कैरेक्टर कैरेक्टर आई को कैसे प्रिंट करते हैं और इसका साइज वगैरह किस तरह देते हैं और ये सारी चीज़ें जो भी इसके अंदर थी बेसिक चीज़ें वो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आपको पढ़ा दी। अब जो रह गया बाकी वो इंशाल्लाह कल देखते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है, तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।